आगरा पुलिस पर एक आरोपी की हत्या का आरोप लगा है। मामला जगदीश इलाके के बोदला का है, जहां लूट के एक आरोपी जुगनू के घर पर थाना न्यू आगरा और जगदीशपुरा की पुलिस कुर्की का नोटिस लेकर पहुंची थी, लेकिन पुलिस को जुगनू घर पर ही मिल गया, जहां आरोपी को पकड़ने के दौरान पुलिस और जुगनू की जमकर हाथापाई हुई। इस हाथापाई का वीडियो भी वायरल हुआ। दूसरी ओर 3 घंटे के बाद परिवार वालों को पता चला कि जुगनू की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से जुगनू की मौत हुई है। कितने पुलिस वाले थे? लगभग कितने पुलिस वाले? 4 जने थे, दो लेके आए घर से, दो और आए रस्ते में। अच्छा, फिर क्या हुआ? कहाँ की पुलिस थी, कोई मालूम पड़ा? क्या कोई पिटाई पिटाई से हत्या हुई है? क्या हुआ है? पिटाई से हत्या हुई है। किन्ने पिटाया? दरोगा ने मारा। तुम्हारे सामने मारा था? हालांकि पुलिस अधिकारी पूरे मामले पर पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया और अभियुक्त को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। इस बीच उसकी तबीयत खराब हुई अचानक से और उसको अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में उसको बताया गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और इसमें हम लोग को पूरे फैक्ट क्या है उसको वेरीफाई कर रहे हैं, मामले की जाँच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आते हैं, सही कारण, सभी फैक्ट पता करके हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे इसका। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा रही है और हंगामे को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आजमगढ़ में उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष आमिर रशादी और उनके भतीजे समेत परिवार पर बहू की हत्या करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मृतका के जीजा ने शहर कोतवाली में उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया है। आमिर रशादी और उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बहू की हत्या कर सारे सबूत को मिटाया है। जानकारी के मुताबिक शादी के बाद से ही पीड़िता के ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे, लेकिन पीड़िता के परिवार ने घरेलू मामला होने की वजह से उसे शांत करा दिया। ये एक हत्या की तहरीर प्राप्त हुई थी, उसमें एक विवाहिता थी और ये हुआ कि उसको घर के अंदर मार के और उसको बिना परिजनों को बताए दफना दिया गया और उसमें कुछ फुटेज लेके जो विवाहिता थी इसके घर वाले आए थे, इसके परिजन, उनकी तहरीर पर मुकदमा कोतवाली में पंजीकृत कर लिया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। इसमें एक आमिर रसादी है और एक जो है उसका पति है जो मृत्यु हुई और कुछ अन्य परिजन अज्ञात में नाम उन्होंने दिया है। जैसे उनकी तहरीर प्राप्त हुई है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को मृतक महिला की शादी आमिर रशादी के भतीजे से हुई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, कांग्रेस का तो राजघराने का मामला है। मुझे लग रहा है कि नेहरू खानदान से हटके कोई होता तो कुछ आश्चर्य होता, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। चाहे माँ बने चाहे बेटा बने, कोई आश्चर्य नहीं। कोई बदलाव नहीं हुआ कांग्रेस में? कोई मतलब नहीं आना नहीं, कभी परिवार है, परिवार बात चल रहा है। चाहे बेटे बने बेटी बने कोई बने, देखिये चाहे जितनी ताकत झोंक दे, गुजरात और हिमाचल में हमारी सरकार बन रही है और जिनको कह रहे हैं ताकत बढ़ा रहे हैं वो कांग्रेस के ही पहले से थे। जिन 3 बेटों को कहा कि हमने शामिल करवाया है, उनके ऑलरेडी पिता पदाधिकारी कांग्रेस में, तो अब कैसे कह देंगे? तो कांग्रेस को अब कुछ ढूंढ नहीं मिला तो राहुल गांधी अब मंदिर जा रहे हैं। तो हार्दिक पटेल से कितना नुकसान होगा भाजपा को? देखिए, कोई नुकसान नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार अच्छी बन रही है और मुझे लगा कि उससे ज्यादा सीटें आ रहे में जाके आएंगे। कोई भी घटना घटती है, सरकार उसका पहले जांच करवाती है। जांच में जो होगा हमारी सरकार पीछे नहीं रहेगी। दुर्घटना में जो मृत्यु हुई है उनके परिवारों के साथ में संवेदना के साथ सरकार पूरी है और सरकार कभी इसमें पीछे नहीं रहती है। मुआवजा भी मिलेगा, लेकिन मुआवजा ही वो नहीं है। ये दुखद घटना क्यों घटी है सरकार उसकी जाँच करवाएगी।
दीदी बुलेट ट्रेन की बात हो रही है देश में चलाने की, लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं। देखिए मैं कह सकती हूँ कि 70 सालों में यदि ट्रेन के क्षेत्र में जिस तरीके से अब हमारी सरकार कर रही है, इस तरीके से किया गया होता तो दुर्घटनाएं नहीं होती। ट्रेन दुर्घटनाएं जो हो रही हैं ये अभी की नहीं है, ये लाइनें बहुत पुरानी बिछी हुई हैं, अंग्रेजों के समय की बिछी हुई, उन पर कोई काम नहीं हुआ। हमारी सरकार आप देख रहे हैं लगातार नई योजना कोई नहीं ला रही है, जो पुरानी मरम्मत के लिए पड़ी उन्हीं पर।